छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अबे पुलिस में आसामी आई नहीं है, अफसर लेवल की पुरजोश मेहनती नौजवानों की जरूरत है। क्या बेकार की खबरें पढ़ रहे हो, कोई ढंग की खबर पढ़। तो ये खबर बकवास लग रही है। नहीं तो तुम लोगों के लिए तो बकवास ही है। शक्लें देखिए अपनी, कहीं से ऑफिसर लगते हो, ऊपर से मेहनती बहादुर चफाकश। अबे निठल्ले हो तुम दोनों, सिफर सिफर। देख लड्डू, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। सच बात को गुरूर मानना सबसे बड़ी जहालत है, और जाहिलों की पुलिस में भर्ती नहीं होती, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तू ही जा। ये बात करके तूने बता दिया कि पुलिस में तू ही भर्ती हो सकता है, हम नहीं, और अब हम होना भी नहीं चाहते। हाँ बेटा, एक बार मैं पुलिस में भर्ती हो गया ना, तुम लोग को छित्तर मार मार के जेल के अंदर डालूंगा, सलाखों के पीछे, याद रखियो। अबे जा जा, पहले घर के अंदर तो चला जा, घर के बाहर आने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। याद रखूंगा। जा भाई जा, जा भाई, बर्तन धो। क्या बर्तन रखूंगा? अबे जा भाई, अपना काम कर, घर के अंदर बर्तन तन धो, छित्तर मार मार के जेल में। अबे जा भाई, याद रखियो चप्पल को, अबे गर्दन मार देगी। दफा करो, फजूल में कौन मुसीबत में पड़े। नहीं, एक पुलिस वाला ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस तो लोगों के काम आती है ना, मुझे भी शख्सी मदद करनी चाहिए। करते हो तुम तो, ऐसे मुआयना कर रहे हो जैसे मैं कोई बंदा नहीं, अपने लिए कोई नई कार लेकर आ गया हूं। अबे यार, तुम भी तो हर किसी को घर में उठा के लेके आ जाते हो यार। ससुर जी इंसान है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, इंसानियत का कोई रिश्ता होता नहीं होता। अच्छा बात सुनो, इस रिश्ते के बारे में बर्फी खाला को जरूर बता देना। ससुर जी इसको देखो तो सही, इसके कपड़े देखो, बाहर खड़ी इसकी गाड़ी देखो, इसकी घड़ी देखो, इसका फोन देखो, मुझे तो लगता है बहुत ही कोई अमीर कबीर आदमी है। जैसी होश में आएगा, हो सकता है कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख इनाम में दे दे। ओ, अब समझा मैं भी तो बोलूं यार, ये तुझ में इंसानियत मुफ्त में कहां से आ गई अचानक। ओए आ गया, होश आ गया इसको, होश आ गया। भाई आपकी याददाश्त तो गुम नहीं हुई ना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। एक्चुअली मुझे दौरा पड़ जाता है और इसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। वैसे आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? आप ना बाहर बेहोश पड़े थे, मैं आपको उठाकर अंदर ले आया। मेरी 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 गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है भाई। ओह शुक्र है, थैंक यू। अच्छा जी, रुके 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 रुके, मैं आपके लिए शरबत बना के लेकर आता हूँ भाई। शरबत लड्डू लड्डू। भाई आपका नाम क्या था? मेरा नाम, मेरा नाम है सरदार अमीर कबीर। हाँ? समझ लिया है? सरदार अमीर कबीर। आप सरदार हैं? क्यों, कोई शक है तुम्हें? ये मैं आपके लिए शरबत ले आया, लीजिए। ठंडा ठंडा है, मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। एक ही लाया यार। ससुर जी आपका नाम क्या है? इनका नाम है सरदार अमीर कबीर। अमीर
कबीर लड्डू तेरी तो निकल पड़ी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ओ भाई, सरदार हमारा औदा है, अमीर हमारा नाम है, और कबीर हमारे वालिद का नाम है। खत्म बात। आप करते क्या है? हम कुछ नहीं करते। क्या मतलब कुछ भी नहीं? अरे यार, ये क्या करेंगे यार, ये सरदार हैं, सरदार ये थोड़ी कुछ करते होंगे। ये तो करवाते होंगे भाई। हाँ। सरदार है भाई। बिल्कुल ठीक कहा। जरा इधर मेरी तरफ देखिएगा जी। वैसे आप शक्ल से इतने समझदार लगते नहीं है। शुक्रिया। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये आप ये पीजिए ना, लीजिए लीजिए। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे बर्फी खाला, ये सरदार अमीर कबीर हैं, ये असली के सरदार हैं। अब जंगलियों के? क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने इलाके और अपने कबीले के सरदार हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। अच्छा जी, मुझे इजाजत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुल्लू ने मेरी जान बचाई। गुल्लू नहीं, लड्डू नाम है मेरा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें गुल्लू समझ रहा था। वैसे इस लड़के में बहुत हिम्मत और ताकत है, वो बहुत आगे तक जाएगा। वैसे आपको अपने बेटे पर और आपको अपने भाई पर फखर होना चाहिए। भाई नहीं है मेरा, शौहर है ये। अच्छा, तो तुम यहीं रहते हो, ये तुम्हारे घर में ही रहता है? ये घर दामाद है। अच्छा, माफ करना भाई, मैं अपनी तमाम तारीफों के अल्फाज वापस लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आप मेरे क्या काम आ सकते हैं? आप मुझे पुलिस में नौकरी दिलवा सकते हैं? पुलिस? पुलिस की नौकरी ऐसे मांग रहा है जैसे ड्रामे में काम मांग रहा है। हाँ क्यों नहीं, पुलिस तो हमारे घर की है। अरे तो हर घर में पुलिस होती है। मैं सचमुच की पुलिस की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, ये पुलिस का महकमा हमारे ही अंडर में आता है। ये सारे सब कुछ काम मेरे ही हाथ में है। इस शहर की तमाम खुफिया पुलिस के मामला मेरे ही हाथ में। खबरदार, अगर ये पुलिस में हो गया तो घर का क्या होगा? और वैसे भी अभी तानी घर में नहीं है। भाई घर को जेल थोड़ी बनाएगा, घर तो घर ही रहेगा। अरे मेरा मतलब है घर के काम काज। भाई वहाँ पे कौन सा काम काज करना है, वहाँ सिर्फ जाना है, इसने हाजिरी देनी है और वापस घर आके वही घर के काम काज करने इसने। वाकई? मगर मैं तो अपने मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। लगता है तुम्हें पुलिस वालों से कभी पाला नहीं पड़ा। इतने मेहनत कश होते तो क्या तुम घर दामाद होते? अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। दरअसल बात यह है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है और आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। एक मिनट, ये क्या, तुम उछल क्यों रहे हो? आपने तो कहा ट्रेनिंग करनी है। और ये उच्चकों की नहीं, पुलिस की ट्रेनिंग है। हाँ तो पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए तो बंदे को स्ट्रांग होना पड़ता है। ओए, कौन सी पुलिस को जानते हो तुम? मुझे लगता है कि तुम अंग्रेजी फिल्में बहुत देखते हो। तो फिर अब क्या करूं? तुम ऐसा करो, सबसे पहले लोगों को शक की निगाह से देखना शुरू करो। और ये पुलिस का पहला उसूल है कि सबको शक की निगाह से देखना। मुझे तो आप पे भी शक हो रहा है। खबरदार, तुमने मुझे ही शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस की तमाम खुफिया मालूमात मैं ही देखता हूँ। शाबाश, अब जाओ सबसे भत्ता जमा करना शुरू करो। क्या भत्ता? अरे हाँ हाँ भाई, मेरा मतलब यह है कि शाम तक मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ, शाम तक 50,000 रुपए जमा करके लेकर आओ। 50,000 रुपए? मेरी पुलिस में भर्ती हो रही है या भीख मांगने वाले किसी अदारे में? वाह वाह, क्या बात है। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती कर अपना अफसर मुंतखब कर चुका हूँ। आज से तुम इसी वक्त ड्यूटी पर हो। लेकिन मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं और क्यों लाऊं? यार तुम्हारे कुछ पुलिस वाले जूनियर साथी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो मनी वेलफेयर समझ लो उसको। ये है। अच्छा ठीक है। ओए ठीक है नहीं होता है, सलूट मारा जाता है। यस सर। अच्छा ठीक है, मुझे सलूट मारो। यस सर।
यस सर। हाँ ठीक है जाओ। अच्छा था। यस सर, ये वाला। ऐसा भी नहीं है, चल चल। यस सर, ठीक है। हाँ अब ठीक है, चल चल। एक बार। यस सर। अब जा चल। यार ये पैसे ले आए, जल्द से जल्द टाइम निकल रहा है ताकि मैं। लड्डू मेरा एक काम करो, ये पूरे 50,000 रुपए कल बैंक खुलते ही डिपॉजिट करवा दें। अरे आप फिक्र ही ना करें बर्फी खाला, इसको बिल्कुल सही जगह डिपॉजिट करवा दूंगा मैं। संभाल के रखो और कल याद से करवा देना। फिक्र नहीं करें आप, हो जाएगा आपका काम। मम्मी करवा दूंगा, फिक्र नहीं करें। अच्छा तता तुमसे बात नहीं होती ना तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, कम से कम अपनी खैरियत तो बता दिया करो। अच्छा एक मिनट होल्ड करना, मैं जरा तुमसे बात करती हूँ। होल्ड पे रहना। ठीक है, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना किससे बातें कर रही हो फोन पर? तो तुम्हें क्या? अच्छा तो तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या जो तुम यहाँ पर आ गए हो? अब मुझे यहाँ से भगाने की भी कोशिश कर रही हो? क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और तुम मेरे सर पे सवार हो। ओए सच सच बताओ, कौन है ये दोस्त, कहाँ से आया ये दोस्त, कितना अजीज है ये दोस्त, बताओ ना जरा। मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, इसकी तबीयत खराब है और तुम जाओ यहाँ से। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ शक। लड्डू तुम मुझ पे शक कर रहे हो? करूंगा शक, आज के बाद हर एक को मैं शक की निगाह से देखूंगा। अच्छा तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो? सर ने ये तो बताया नहीं कि बीबी के अलावा सबको शक की निगाह से देख। मेरी तौबा, तो आज के बाद बीबी पर शक करूं? हाय 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 हाय। ये कैसी बू आ रही है? ओ भाई काय की बदबू, जाके नहा ले, दो दिन से नहाया नहीं है तू। ये तेरी अपनी बू है। अरे मैं खाने की बू की बात कर रहा हूँ। अबे खाने की बू के बच्चे आलू गोश बन रहा है, आलू गोश खाने की। लगता है खाने में कुछ मिला है तुमने आज। हाँ अबे हाँ मिलाया तो है भाई। हाँ 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 नमक है, मसाले हैं, टमाटर है, प्याज है, घी है, पानी है। ओए नहीं ओए, मेरा ख्याल है कि तुमने खाने में कुछ ऐसा मिलाया है जिसके खाने से सब मर जाएंगे और तू इस जायदाद का इकलौता वारिस हो जाएगा, है ना? अबे यार क्या आइडिया है यार लड्डू, अबे ये बात तो मेरे जहन में कभी आई नहीं यार। ओए खबरदार ओए, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये सोचने के जुर्म में भी अंदर करा दूंगा। अबे ओ बावले, ये पुलिस का काम है, तू कौन सा पुलिस में है? हाँ गलतफहमी है तुम्हारी ससुर जी, मेरी भर्ती भी हो गई है और मेरा काम भी शुरू हो गया है। ओ भाई जाके तू आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, जा जा चल। देखो ससुर जी मैं तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ वरना तुम्हें गोश्त के साथ आलू मिलाने के जुर्म में अभी के अभी अंदर करवा दूंगा। आलू गोश्त के साथ मिला लो या लमिया, इसको ठीक कर दे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है लमिया। वैसे ससुर जी ये आलू गोश्त थोड़ा चखा। रोक 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 रोक, कहाँ जा रहा है? कहाँ से आ रही है जनाब की सवारी? क्या मतलब, क्यों रोका है? पुलिस से सवाल करता है, पुलिस से। कहाँ है पुलिस?
पूछता है कहाँ ये खड़ी है आपकी मुहाफिज, आपकी पुलिस ये खड़ी है। समझ नहीं आया, चलान होगा, आप लोग का डबल सवारी बंद है, आप लोग डबल सवारी पे घूम रहे, 5,000 रुपये दे दो मुझे शाबाश चुपके से, कोई देखे ना इधर उधर देख लेना, पहले जल्दी से मेरी सीधे हाथ वाली जेब में डाल दो, चलो। अबे ओ बावली फ्लैट, जाके अपना इलाज करवा। अबे चलान करूंगा तुम लोग का, मैं बता रहा हूँ सीधे तरीके से दे दो। चल बे छोड़ बावली, अपना काम कर चल। बात सुनो, मैं तुम लोग को जान नहीं दूंगा, बात सुनो मेरी, समझे, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए जान दे दूंगा, अपने उसूलों के लिए। पागल है, निकल आगे से। अबे मेरी बात तो सुनो, अबे पागल है, नहीं है क्या बात की, कोई तो मेरे भरम में ही नहीं आ रहा, कैसे भरम दिखाऊं मैं। ए इधर आ, रुक इधर आ। हाँ यार खड़े होके कौन सी वारदात की मंसूबा बंदी हो रही है? लड्डू पागल हो गए, इतनी जोर से मार दी यार। ओए तमीज से बात करो, ये अबे तबे करके बात नहीं करियो, पुलिस का बड़ा इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ अरे यार लड्डू, लगता है तूने तो वो बात दिल पर ले ली, छोड़ भाई। अभी तेरा जहनी तवाजन खराब हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं आना मेरे दोस्त। ओए तुम लोग को समझ नहीं आ रही मेरी बात है, अभी तुम दोनों की तफ्तीश होगी ना तो लक पता चल जाएगा। अभी 5,000 दोनों निकालो तो छोड़ देता हूँ, वरना सीधा जेल में डालूंगा, बता रहा हूँ। देख लड्डू, ओए तमीज से बात कर, इंस्पेक्टर लाडले मियाँ नाम है हमारा। हाँ भाई, हम तेरे मुंह नहीं लगना चाहते, जाए यहाँ से। लगता है तुम लोगों को ऐसी समझ नहीं आएगी। हाँ अभी समझाता हूँ दोनों को, यहाँ से पकड़ के अभी तुम लोग को लेकर जाऊंगा ना तो लक पता चल जाएगा तुम दोनों को, जानते हो तुम लोग कौन हो? अरे चोर मवाली, अभी बताता। अभी सर को पता चलेगा कि मेरी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी, उल्टा मेरी पिटाई हो गई, मेरी तो नौकरी गई, पहले दिन ही गई, क्या करूं। लड्डू हिम्मत कर मेरे दोस्त, हिम्मत कर। तू इंस्पेक्टर लाडले मियां है, हिम्मत कर लड्डू, पता नहीं चलना चाहिए। अरे सर का दिया हुआ टास्क ना इन्हीं पैसों से पूरा हो सकता है, मेरी नौकरी जैसी पक्की होगी ना तो मैं बर्फी खाला के पैसे पूरे करके जमा करा दूंगा। हाँ भाई चलो। सलाम सर, आपने जो काम बोला था वो काम हो गया, ये लीजिए पैसे। एक्सीलेंट, शाबाश, इधर आओ, इधर बैठो। वाह वाह, तुम्हारे जैसे ही नौजवानों की पुलिस के अंदर बहुत जरूरत है, ईमानदार और शरीफ बच्चों की। शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। ससुर जी बाहर जाके दरवाजे पे देखें, मैं कौम के लिए जरूरी काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी तो कंप्लीट कराने, पुलिस में भर्ती करवानी तुम्हें। लेकिन सर आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट लिए ही नहीं। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कार्रवाई तो पूरी करवा दूँ ना वहाँ से कि तुम इंस्पेक्टर हो गए हो। ठीक है। अच्छा मुझे इजाज़त, ज़रूरी काम है, मुझे चलता हूँ मैं। आ जाए सर, आ जाए। अरे जलाल कैसे हो? हैं जलाल, लड्डू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्योंकि देखो भाई जलाल, आज से मैं और तुम एक ही ओहदे पर। अरे मैं तुम्हारी तरह घर दामाद नहीं हूँ, समझे ना? ओहो मेरा मतलब है कि तुम अब लड्डू से नहीं इंस्पेक्टर लड्डू से बात कर रहे हो, समझे? हैं? हैं? अच्छा ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि क्यों आए हो यहाँ पर? और ये बताओ ना, ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? गाड़ी बाहर जो खड़ी है, अरे वो तुम नहीं, नहीं हमारे बॉस की। बॉस? अब किधर है भाई बॉस तेरा, जरा शक्ल तो कराओ ना उसकी। तमीज से जलाल, ये हमारे सीनियर हैं, बल्कि हम सबसे सीनियर हैं। ओए जरा तमीज से। मैंने कहा होश में आओ जलाल। ओए इस दफा अगर तू कानून और मुजरिम के बीच में आए ना तो वो चपेट मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। बस ये चोर नहीं तो बहुत बड़ा बेरूपी है, समझे ना? इसके तो काम ही लोगों का लूटना हर तरीके से, और ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना ये भी इसकी नहीं चोरी की गाड़ी है। कितने अफसोस की बात है, मतलब इतने बड़े अफसर और ऐसे निकले। अरे ये कोई अफसर अफसर नहीं है, इसका काम है थाने आना, मार खाना और बड़ी जेल में जाना, समझे?
ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा क्या होगा? ओए चल इंस्पेक्टर लड्डू, इसके साथ साथ ना तुझे भी अंदर करूंगा मैं, समझा? इंस्पेक्टर जलाल साहब, मैं ना आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे, आगे से गलती नहीं करूंगा, पक्का। हाँ बीबी ये बताइए ना, इसने आप लोगों से को पैसे वैसे तो नहीं लिए? हाँ लिए ना, ये रहे पैसे, ये रहे। ये हुई ना बात। अरे ये तो वो ही नोट है जो मैंने लड्डू को बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे। ये पकड़ो जरा, ये लीजिए, ये पैसे आपके। चले अब तुझे तो मैं बताता हूँ ना बेटा, ये लूट मार करते कैसे है। जलाल साहब रुके रुके रुके, जाते जाते एक तोहफा मेरी तरफ से भी। बाहर निकलो बड़े मियां, अपना रास्ता नापो, बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया, चलो चलो बाहर को निकलो। और अगर मैं ना जाऊं तो? तू मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेगा? अच्छा आप अपना घर ही नहीं भूले, बल्कि आप एक मिनट पहले वाली बात भी भूल जाते हैं। अभी एक मिनट पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तानी के घर को तुमने क्या ईडी सेंटर समझ रखा है? बस भी खाला, कुछ देर की बात है, फिर चले जाएंगे। हरगिज़ नहीं, जाओ जाकर इनको सर्द खाने छोड़ कर आओ। तेरी शक्ल बता रही है तू खांचा मारता है इस काम में। क्या मतलब है आपका? मेरा जो मतलब था वो तू समझ गया अच्छी तरह। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे अरे अरे, तो आपको क्या, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। घर का काम कौन कर रहा है? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।